हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल इन्फो में। मैं आप सभी का दोस्त शिवम सैनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनायक प्लस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, फिनायक प्लस टैबलेट एक दर्द निवारक टैबलेट है जिसको सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं, जिनमें से एक है डाइक्लोफिनायक जो कि 50 mg मिला हुआ होता है। और दोस्तों, इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो मिला हुआ होता है वो पैरासीटामॉल होता है जो कि 325 mg मिला हुआ होता है। दोस्तों, इसके मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मार्केट में 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में इसकी एक स्ट्रिप यानी कि 10 गोलियां मिल जाती हैं। अब बात करते हैं फिनायक प्लस टैबलेट के यूज के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, फिनायक प्लस टैबलेट का जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो दर्द व बुखार निवारक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग कान में दर्द होने पर, गले में दर्द होने पर, सिर में दर्द होने पर, हाथ व पैरों में दर्द होने पर, कमर में दर्द होने पर, गाउट यानी कि गठिया का दर्द होने पर भी हम फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग करते हैं। अर्थराइटिस हो जाने पर भी हम फिनायक प्लस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका उपयोग दांत दर्द होने पर भी हम कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, मांसपेशियों में होने वाले दर्द में भी हम फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, कमर दर्द होने पर भी हम फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, शरीर में कोई सा भी दर्द हो हम फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। बात करें फिनायक प्लस टैबलेट के डोज के बारे में, इसका डोज कितना लेना चाहिए, तो दोस्तों बताना चाहूँगा फिनायक प्लस टैबलेट लेने से पहले हमें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आप एडल्ट हैं यानी कि आप 18 साल के हैं तो आप एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप 3 टाइम भी फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं फिनायक प्लस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, त्वचा पर खुजलाहट महसूस होना, चक्कर आना, दस्त लग जाना आदि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बात करते हैं फिनायक प्लस से रिलेटेड सवालों के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम गर्भवती महिला को करवा सकते हैं। तो फिनायक प्लस का उपयोग गर्भवती महिला को नहीं करवाना चाहिए। और दोस्तों, स्तनपान कराने वाली महिला में हम फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग करा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम ड्राइविंग या अन्य कोई मशीन चलाते समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिनायक प्लस लेने से यदि आपको धुंधला दिखाई देता है, चक्कर आता है, तो हमें गाड़ी या कोई मशीन चलाने से बचना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या फिनायक प्लस टैबलेट लत लग सकती है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा फिनायक प्लस टैबलेट की लत नहीं लगती है। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम शराब के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिनायक प्लस टैबलेट का उपयोग हमें शराब के साथ भी नहीं करना चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।